मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का भार सौंपा तो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे पर एक कार्यक्रम में शपथ दिलानी थी। माननीय मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में हम लोगों ने शपथ लेनी थी, तो मुझे लगा कि पहले मुझे अपने अंग दान करने चाहिए। मैंने थोड़े कार्यक्रम को रोका और सीखा कि कौन लोग अंगदान कर सकते हैं, किस उम्र के कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं। तो पहले मैंने अपना हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और आईज, टिश्यू, स्किन देश को पहले दान किए, उसके बाद शपथ ली और शपथ दिलाई। एक टर्निंग प्वाइंट आया कि इसी को देख करके मेरी बेटी डॉक्टर सलोनी ने, बेटा डॉक्टर पार्थ बघेल, मधु बघेल ने 20 मिनट के अंदर फेसबुक पर अपनी सहमति दी। तो थोड़ा आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि वो डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर अंगदान, रक्तदान और नेत्रदान को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। लेकिन गांव के लोगों के फोन आने लगे कि कुछ आपने अंगदान किया है तो हम कैसे करें। मुझे उससे प्रेरणा मिली। 3 दिन बाद लोकसभा में अथवा राज्यसभा में एक सवाल था कि भारत का अंगदान की स्थिति देश में क्या है और दुनिया के बाकी देशों की क्या स्थिति है। तो थोड़ा चौंकाने वाला आंसर था कि 10 लाख में भारत में 0.7 हमारा आंकड़ा है और वही स्पेन 47 गुना करता है। तो मुझे लगा दधीच के वंशज हम लोग हैं, कर्ण के वंशज हम लोग हैं, राजा हरिश्चंद्र के वंशज हम लोग हैं। हम तो मृत्यु के बाद आपसे मांग रहे हैं। दधीच जी ने तो अपनी हड्डियां जिंदा रहते हुए, और कर्ण ने, जो लोग कहते हैं कि सोने का उन्होंने दांत दिया था, वो इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है जितनी जो बुलेट प्रूफ उनके कानन कवच और कुंडल थे, जो मैं कहूंगा अपनी भाषा में कि लेमिनेटेड बुलेट प्रूफ थी। उसको चाकू से निकाल के, तलवार से निकाल के जब उन्होंने छीला, मैं समझता हूं उससे बड़ा अंगदान विश्व के इतिहास में किसी दूसरे देश ने नहीं करने का काम किया है। यहां से प्रेरणा मिलती है। और फिर मैंने सोचा कि जब ऐसा समर्थन है, जब मैं अपनी पार्टी के लोगों से मिलूंगा, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, विभिन्न जाति संगठनों से, विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य से, फैकल्टी से, एनजीओ से, सोसाइटी से, विभिन्न धार्मिक गुरुओं से, तमाम आगरा में, जैसे हमारी हेल्प आगरा है, हमारी समर्पण है, हमारा लोक हितम है, सत्यमेव जयते है, आगरा हेल्थ है, आदि आदि ऐसी संस्थाएं हजारों हैं, उनसे संपर्क करेंगे तो ये हम मिशन मोड में तो हमें ज्यादा अंगदानी मिल सकते हैं। अब जिस देश में 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट से मरते हों, जिस देश में 50 लाख लोग हमारे विभाग से किडनी मांग रहे हैं, 50,000 से ज्यादा ऊपर हार्ट की डिमांड है, ऐसी प्रक्रिया जो किडनी की डिमांड है, तो ये कार्यक्रम हमें करने चाहिए। मुझे माननीय मंत्री जी ने अहमदाबाद अभी 4 दिन पहले आयुष्मान भव का, राष्ट्रपति महोदया ने जो आयुष्मान भव का लॉन्च किया, मुझे जाने का मौका मिला। इस दौरान 2.5 घंटे उपलब्ध होने पर मैं डॉक्टर मेहता अस्पताल, मैं कह सकता हूँ अगर मैंने चारों धाम नहीं किए हैं तो अब मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं अहमदाबाद का डॉक्टर मेहता अस्पताल का विजिट कर चुका है। अगर कोई ज्योतिर्लिंग बह के आए तो मुझे कोई दुख नहीं है। मैं इतनी पवित्र जगह का विजिट कर चुका हूँ, स्क्रीन से मिल चुका हूँ, जिन्होंने पिछले 2 साल में 135 हार्ट, लिवर, किडनी आदि मृत लोगों से निकाल करके और ब्रेन डेथ वालों को जिंदा करने का काम किया है। आज डॉक्टर साहब का स्वागत करते हुए हमें हर्ष हो रहा है। अहमदाबाद वाले डॉक्टर साहब को बुला के थोड़ा स्वागत भी कर दीजिएगा, उनका भाषण तो हमने कराने का काम किया है। हमारे अभी कॉर्निया दान करने का तो रिवाज है, लेकिन अंग दान का थोड़ा पता नहीं था लोगों को। लेकिन देश में पहली बार एक छत के नीचे एक ही शहर में एक साथ हजारों लोग अपना देहदान और अंगदान कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे प्रेरणा मिलेगी। और मैंने पहली बार सुना जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में अंगदान की चर्चा की, तो वहां से थोड़ा सा गंभीरता से लिया। मैं आज आगरा के लोगों के बात भी और बताना चाहता हूं कि ये देश में पहली बार हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है, लेकिन जीवन में इस कार्य के लिए आपका एक दुपट्टा और बुके भी मैं जीवन में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। पद्मश्री तो बहुत बड़ी बात होती है। जब तक जिंदा रहूंगा अंगदान के लिए अपने पूरा जीवन करेंगे। माननीय मंत्री जी को भी बात करना पड़ेगा कि हर साल ऐसे ही वृद्ध स्तर पर हम लोग देहदान और अंगदान करेंगे, जिससे आपका आनंद रहेगा तो हमें बहुत ज्यादा बल मिलेगा।
इसलिए एक सांसद खेल स्पर्धा हमेशा कराएंगे, सांसद नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, बघेल खेल स्पर्धा कराएंगे और इसी प्रकार से पद पर रहे या ना रहे, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक मैं चलने फिरने लायक कहूंगा। ये जीवन में बच्चे में तेजी बंद कराने के लिए सबसे साथ कर रहा हूँ, दहेज समाप्त कराने के लिए शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से मृत्युभूमि ट्रॉलियों के बांध हुए दशम मेरे इलाके में पहले चुके हैं, हर गांव से 25-30 लाख का सालाना नुकसान होने से बताया है, आप लोगों के सहयोग से यह आग्रह है, इसलिए मैंने ये व्रत लिया है। मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पैंडेमिक काल में वाहिद आगरा शहर है जिसने पुलिस के डंडे भी खाए और लोगों को भोजन भी कराया। केजरीवाल के अफवाह से जब सात-आठ लोग माइग्रेटेड लेबर यूपी और एमपी के बुंदेलखंड के आगरा होकर आए, एक एक आदमी को 300 लोगों ने खाना खिलाया, 50,000 जूते और चप्पल यहाँ सड़कों पर रख दिए गए थे। कैला देवी के लिए जब 20 लाख लोग जाते हैं पैदल, तो आगरा के लोग 170 किलोमीटर तक अपने भंडारे लगाते हैं, जबकि राजस्थान के भाई हमारे कहते हैं पधारो हमारे देश, लेकिन जब हम उनके देश में जाते हैं तो हम ही लोग अपने भंडारों को कराने का काम करते हैं। यहाँ बहुत सी संस्थाएं हैं जिनके चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रही है। मैं उम्मीद करता आगरा के लोगों ने भी किया था कि जब आप वृहद स्तर पर वो अपने लिए दान और अनुदान कर रहे हैं तो ये काम जो सबसे योजना लग जाए, कोई गलतफहमी है तो मंत्री जी बताएंगे कि मरने के बाद दिए जाते हैं, घर के लोगों की सहमति नहीं होगी तो नहीं दे पाएंगे। आगरा में कॉर्निया का रिसीवर रोड लगाना क्यों नहीं संभव है, तो आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे मेडिकल कॉलेज को ऐसी सुविधा जरूर मिल जाए, बल्कि हम तो पहुंचा यूपी के मेडिकल कॉलेज को कि अंगदानी अपने अंग दे सके और लोगों को, आठ लोगों को जीवन दे सके। मैं आभार कृतज्ञ कहलाऊंगा, मैं आपका आभार भी प्रकट करूंगा। हमारे यूपी में अगर एक खून फट जाती है तो हम मुंह में दे देते हैं, ये खून हमारा विकास में उतर जाए और हम आपसे अंग मांग रहे हैं, अंग मांगने आए थे, देह मिल गई है। ऐसा केवल वाहिद शहर आगरा ही कर सकता है कि जितना मांगे उससे ज्यादा देने को तैयार है। तो ऐसी सुविधा ऐसे में अगर हो जाती है तो निश्चित तौर से आज की प्रतिक्रिया धरातल पर चर्चा हो जाएगी। मैं इस बात पूरा दिल्ली के और लखनऊ के अधिकारियों का, हमारे सभी राजनीतिक लोगों का, सभी एमपी एमएलए एमएलसी, हमने इसको क्रॉस का पार्टी लाइन भी रखा है और अग्रवाल साहब एमएलसी साहब हमारे मंच पर बैठे हैं, हमारे दिल के लिए आकाश अग्रवाल, लेकिन उनका भी हम सहयोग मांग रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, शायद आज पहली बार हो रहा है कि 60-70 से ज्यादा मुस्लिम भाई बहने भी अपना अंगदान करने के लिए आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब मैं कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें शुभकामना संदेश दिया है, माननीय ब्रजेश पाटिल जी का जुड़ना था लेकिन संभवतः वो छत्तीसगढ़ के प्रवास पर है, उनका कोई वीडियो रिकॉर्डेड हो तो दिखाया जाए, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का और उसके बाद माननीय मंत्री जी विस्तार से स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके रूप से ज्यादा अच्छा लगेगा कि विभिन्न योजनाओं में किस प्रकार से आयुष्मान से लेकर के अन्य योजनाओं को धरातल पर उनके नेतृत्व में उतारा है, किस प्रकार से कोरोना कालकाल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी ने WHO ने भी हमारी प्रशंसा की है, ऐसी व्यवस्था की थी। मैं उनका आगरा की धरती पर स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ।